मैं बटवा के एक जगह रख देता हूँ, बात खत्म कर लेता हूँ। तो माल तो नहीं, महारानी लक्ष्मीबाई ने जी किले से लड़ाई लड़के पूरी दुनिया में झांसी को नाम रोशन करे। वही महारानी लक्ष्मीबाई के किले की पहाड़ी को खोद के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक्ट को उल्लंघन कर अवैध रूप से पथवे को निर्माण कराए जावे को आरोप लगाओ गए है। और ये पूरे निर्माण कार्य को अवैध करार देत भय न्यायालय में याचिका दाखिल करी गई है। दरअसल पृथक बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ने वाले भानु सहाय को आरोप है कि पुरातत्व एक्ट और नियमावली के विरुद्ध किले की पहाड़ी यानी नींव को खोद के अवैध कार्य कराया जा रहा है निर्माण को प्रशासन के द्वारा। और ये पूरे मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दोगे तो, लेकिन FIR नहीं भई। अवैध रूप से पहाड़ी को खोद कर, मतलब नींव को खोद कर पाथवे बनाने का कार्य किया जा रहा है, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो एक्ट है उसका सीधा सीधा सा उल्लंघन हो रहा है। एक्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्रीय संरक्षण संरक्षित स्मारक के प्रतिषिध क्षेत्र के भीतर लोक परियोजना सहित किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हो सकता। लोक परियोजना मतलब सरकारी विभाग की भी कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता। और अब यही वजह से CJM न्यायालय में FIR दर्ज कराए जावे के लाने प्रार्थना पत्र दौ गए है। और इनके संग ही वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के किले की पहाड़ी को अवैध रूप से पोकलिंग मशीन द्वारा खोद के अवैध निर्माण कार्य को रोके जावे के लाने भी न्यायालय में वाद दाखिल करे गए है। और पूरे मामले में 11 अप्रैल की तिथि सुनिश्चित करी गई है सुनवाई के लाने। हमने इसकी गुहार जिलाधिकारी जी से, मंडल आयुक्त जी से, नगर आयुक्त जी से, महापौर साहब से, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से लगाई, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। तो आखिर में जाके हम लोगों ने एक SSP को FIR दी थी इन लोगों के अगेंस्ट बाय नेम, कि आप FIR इनके अगेंस्ट करिए, जिसमें 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और 1,00,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन वो FIR दर्ज नहीं हुई। हार कर आज हम लोगों ने 156(3) में CJM कोर्ट में ये वाद दाखिल किया है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, जिसमें हमको सुनवाई के लिए पुलिस से रिपोर्ट मंगवाने के लिए 12 तारीख सुनवाई सुनिश्चित की गई है। भानु सहाय को कहो है कि किले की नींव को कमजोर करके भविष्य में किले को नुकसान होवे की आशंका हो रही है और यही वजह से इस निर्माण कार्य को रोको जावो जरूरी है। वो केस इस बात का है कि जो अवैध रूप से निर्माण कार्य हो रहा है, जो निर्माण कार्य नहीं रुक रहा है, जिसमें पोकलिंग मशीन चलाई जा रही है, जो दिख रही है, हमने उनको वीडियो तक दी है अपनी, इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए और परमानेंट इंजंक्शन हमको दिया जाए। उसमें भी उन्होंने सुनवाई की डेट 11 तारीख लगाई है। 2 मुकदमे हम लोगों ने दाखिल किए हैं। देखिए, रानी झांसी की आन बान शान और उनकी धरोहर को बचाने के लिए अगर हम झांसी वालों की जान भी चली जाए तो वो कम होगा। हम अंतिम सांस तक ये प्रयास करेंगे कि रानी झांसी की धरोहर को हम बचा पाए। ये पूरे मामले में फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन अब अदालत में जो मामला पहुंचे है, देखने जो ही है कि अदालत का फैसला करता है।